हे गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में वीडियो मेकर म्यूज़िक वीडियो एडिटर ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से पहले इसके यहाँ पर रिव्यूज़ रेटेड भी नीचे देख सकते हो, 4.4 इसको स्टार मिले हुए हैं, 1 मिलियन इसके रिव्यूज़ है, 3+ रेटेड है और 100 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस तरह का इंटरफेस है जो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर 6 तरह का ऑप्शन है जो नज़र आते हैं। आपको यहाँ पर इसके 6 तरह का ऑप्शन में आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट में एडिटर, कैमरा, स्टूडियो, ट्रिम और मटेरियल और VIP का ऑप्शन है जो देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन है। जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं इसमें आपको यहाँ पर सेटिंग्स इसकी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस अलाउ पर क्लिक करते हैं कि सारी सेटिंग्स होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो, डिस्क्लेमर देख सकते हो, यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हो, अपडेट आया तो अपडेट कर सकते हो, लैंग्वेज सेटिंग करनी है तो लैंग्वेज भी सेटिंग कर सकते हो और यहाँ पर वीडियो की जो आप वीडियो सेव करोगे शूट करोगे उसकी क्वालिटी है जो चेंज करना चाहते हो यहाँ से क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो। फिर मैं आपको एडिटर पर क्लिक करके आपको बता दूँ, एडिटर पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, एडिटर पर क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन होगी और गैलरी में से आपको फोटो वीडियो होंगे वो आपके सामने सारे आ जाएंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक फोटो को सिलेक्ट कर दो। इस तरह से आप भी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, अपने जितने फोटो को सिलेक्ट करना है उतने फोटो को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इसमें आप वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं। हमने यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर 3 फोटो सेलेक्ट कर दिए। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है जो नजर आएगा, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने पर यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो फोटो सेलेक्ट की है वो आपके सामने आपको यहाँ पर वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आपको बहुत सारे जो ऑप्शन जो मिलते हैं यहाँ से आप अपने वीडियो को जिस टाइप से एडिट करना चाहते हो उस टाइप से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फ्रेम वाले वीडियो भी यहाँ पर देखने मिलते हैं। अपनी फोटो को जिस तरह से एडिट करना चाहते हो उस तरह से आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हम किस टाइप के फोटो से एडिट कर रहे हैं। अपने फोटो के बीच में ये वीडियो लगाना चाहते हो तो फोटो के बीच में ये वीडियो भी लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हमने फोटो के बीच में ये वीडियो भी लगा दिया है। इस तरह से आप भी फोटो के बीच में वीडियो भी लगा सकते हो। इस तरह का अपना जो वीडियो है जो बनकर तैयार हुआ यहाँ पर देख सकते हो, हमने जो भी फिल्टर सेलेक्ट किया वो आपके सामने आ जाएगा। ये सारे प्रो वाले है, फ्री वाले भी है और प्रो वाले भी है। आपको यहाँ पर जिस टाइप के चाहिए उस टाइप के आप देख सकते हो। फिर आपको नीचे इस वीडियो आपको बनकर तैयार हो गया है, फिर आपको इसमें म्यूजिक सेट करना है तो नीचे आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगे तो आपको यहाँ पर सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे म्यूजिक है जो देखने को मिलते हैं, ऑडियो एक्सट्रैक्टर, यहाँ पर आपको रोमांस वीडियो, रोमांटिक वीडियो, रोमांटिक म्यूजिक, बर्थडे म्यूजिक, बीट म्यूजिक, फ्रेंडशिप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, आपको जिस टाइप का म्यूजिक लगाना है उस टाइप का आप म्यूजिक है जो लगा सकते हो। मैं आपको म्यूजिक सेट करके बता देता हूँ। हमने म्यूजिक को सिलेक्ट किया, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे म्यूजिक आएंगे। यहाँ से आपको पहले तो म्यूजिक को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो हमारा म्यूजिक जो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो हमारा म्यूजिक जो डाउनलोड हो रहा है, 7% 10% इस तरह से म्यूजिक आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप अपने वीडियो में म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हमारा म्यूजिक डाउनलोड हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा म्यूजिक है जो डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद आपका यहाँ पर वीडियो में आपका म्यूजिक लगकर तैयार हो गया। यहाँ पर देख सकते हो आपको सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक जो यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर म्यूजिक है जो सेट आपको वॉइस आवाज़ इसकी कम कर दिया, क्योंकि गाइस मेरे यहाँ पर वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर म्यूजिक है जो आवाज़ स्लो है जो कम कर दिया है। इससे आपको म्यूजिक जो यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। फिर आपको नीचे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करके अपने वीडियो को और भी एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन है, अपने वीडियो है जो कितने टाइम का, कितने सेकंड का बनाना है उस हिसाब से आप अपने वीडियो यहाँ पर फोटो के जो ड्यूरेशन है जो कर सकते हो। फिर आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आप म्यूजिक करना चाहते हो म्यूजिक भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपको बहुत सारे म्यूजिक इसमें देखने मिलते हैं। अपने वीडियो में कुछ टेक्स्ट के लिखना चाहते हो, जैसे कि अपना नाम वगैरह यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो, यहाँ से नाम वगैरह कुछ लिख सकते हो। फिर आपको नीचे ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट रेशियो, अपने यहाँ पर फ्रेम है जो किस टाइप की आप बनाना चाहते हो। आपको फ्रेम है जो इसमें बहुत सारे देखने मिलते हैं, यूट्यूब के लिए बनाया है, इंस्टाग्राम के लिए बनाया है, टिकटॉक के लिए बनाया है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो मिलते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ऐसे फ्रेम सेलेक्ट कर दीजिए। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, इफेक्ट यहाँ से दे सकते हो, स्टिकर्स वगैरह, ट्रांसक्रिप्शन, फिल्टर, आपको बहुत सारे ऑप्शन जो मिलते हैं।
यहाँ से अपने फोटो वीडियो को और भी एडिट कर सकते हो। वॉइस ओवर करना चाहते हो, इसमें वॉइस ओवर भी होती है, वॉइस ओवर भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिससे आप अपने ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप समझ जाओगे कि इसे कैसे जो यूज़ करते हैं। इसके बिना आपने जो भी वीडियो बनाया है उसे आप एक्सपर्ट अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ आपको एक्सपर्ट का ऑप्शन मिला है। एक्सपर्ट पर क्लिक करके अपने वीडियो को गैलरी में सेव कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको जिस भी क्वालिटी में वीडियो को सेव करना है उस क्वालिटी में आप वीडियो को सेव कर सकते हो। फिर आपको नीचे एक्सपर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से अपने फोटो को गैलरी में सेव कर सकते हो। एक्सपर्ट पर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो आपको ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन है, जब आप कैमरे पर क्लिक करते हो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको अलाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरे से आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आप अपने फोटो को जिस टाइप से मैंने बताया है उस टाइप के अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कैमरा जो ओपन कर दिया है और कैमरे से हम फोटो जो क्लिक करते हैं, ठीक है। फोटो क्लिक कर दिया फिर यहाँ पर आप अपने फोटो को एडिट करना चाहते हो फोटो भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, फोटो इसमें एडिट नहीं कर सकते आप, इसमें वीडियो बनाने के लिए आपको वीडियो जो शूट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरा वीडियो जो शूट हो रहा है, इस टाइप से आपको ओके कर देना है, वीडियो आपका शूट हो जाएगा। आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका वीडियो है जो जितनी जितना वीडियो शूट करना चाहते हो उतना वीडियो आप शूट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप अपने वीडियो को एडिट करने के लिए राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दो। वीडियो कैसे एडिट करते हैं मैंने आपको बता दिया है, उस टाइप से आप वीडियो भी एडिट कर सकते हो, तो क्या आप समझ गएंगे। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्टूडियो का ऑप्शन मिलता है, स्टूडियो पर क्लिक करना है और स्टूडियो पर क्लिक करते हैं आपने जो भी वीडियो जो बनाया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। माई ड्राफ्ट में आपने जो भी वीडियो ड्राफ्ट में सेव की है वो आपको ड्राफ्ट में जो देखने को मिल जाएंगे, समझ गए आप। फिर आपको नीचे और भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो ट्रिम का, आपको इस पर क्लिक करना है। अपने वीडियो को यहाँ पर कट करना चाहते हो तो यहाँ से कट कर सकते हो आपने, जैसे कि गाइज मैं यहाँ पर एक वीडियो जो सेलेक्ट करता हूँ, हमने यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अपने वीडियो को आप कट करना चाहते हो यहाँ से, जितना क्रॉप करना चाहते हो उतना क्रॉप आप यहाँ से कर सकते हो, और अपने कई बार भी आप जैसे कि स्टोरी में लगाना चाहते हो स्टोरी में आप लगा सकते हो। आपका बड़ा वीडियो है तो उसे आप कट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, आप समझ गए होंगे। फिर आप नीचे आपको और भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो अब आपको मटेरियल का, मटेरियल पर क्लिक करना है। मटेरियल पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टाइलिश मटेरियल, म्यूजिक, टेक्स्ट स्टाइल, स्टिकर्स आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर देखने मिल जाए, उस टाइप से अपने फोटो वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाए वीडियो, उस टाइप से फिल्टर, उस टाइप से मेरे वीडियो में जो लगा सकते हो। फिर आपको नीचे VIP का ऑप्शन है, इसे आपको यूज़ नहीं करना है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि आप अपने मोबाइल में इस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम और लोगो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो, वीडियो मेकर, वीडियो वीडियो मेकर, म्यूजिक वीडियो एडिटर इसका नाम है, इसका लोगो वगैरह देख सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कि इस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।